नमस्कार, न्यूज 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। लोकसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने जमुई में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने बिहार में अपने और एनडीए सरकार की उपलब्धियां को गिनाया। साथ ही उन्होंने लालू यादव और उनके परिवार के दौर का डर भी जनता को याद दिलाया। तो चलिए इन्हीं तमाम बातों पर आज विस्तार से चर्चा करते हैं। चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता सौरभ कुमार जी, बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी, एलजेपीआर प्रवक्ता डॉक्टर विनीत सिंह, आरजेडी प्रवक्ता अरुण यादव जी, कांग्रेस प्रवक्ता कमल कमलेश जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अरुण जी से लेना चाहूंगी। अरुण जी, क्या लगता है आपको, लालू यादव और या लालू परिवार की बात करें तो ये लोग पीएम मोदी की जीतने की रथ को कैसे रोकेंगे? पीएम मोदी जो जीत की तरफ जा रहे हैं उसे आप लोग कैसे रोक पाएंगे एनडीए? देखिए सभा जी, जीत के तरफ कहाँ जा रहे हैं और काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार ही चढ़ती। इसलिए अब केंद्र की जो बीजेपी सरकार है उसके झांसे में अब बिहार की जनता खासकर आने वाली नहीं है और उल्टा गिनती शुरू हो गया। आपने देखा आज प्रधानमंत्री जी का अपने भाषण सुना होगा, उन्होंने मुद्दे की बात की ही नहीं। चुनावी सभा थी, उन्हें तो बिहार की जनता को 10 साल का हिसाब किताब बताना चाहिए ना। उन्होंने 10 साल में बिहार की जनता के लिए क्या किया, बिहार में कितने पूंजी निवेश हुए, बिहार में कितने उद्योग धंधे लगे, या फिर 10 साल पहले जो 2014 में 2019 में जो वो उन्होंने वादा किया था जनता के साथ, क्या वो पूरा हुआ? 2014 में जो उन्होंने रंगभूमि मैदान से पूर्णिया में कहा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे, उसकी बातें नहीं की। महंगाई कम करेंगे, उसकी बातें नहीं की। 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी देने की बात मनोज थी, मनोज का किताब नहीं किया। मनोज शर्मा तो लगातार हुई या नहीं हुई उसकी बात नहीं की। विदेश से काला धन आया या नहीं आया उसका जिक्र नहीं किया। प्रत्येक नागरिक के खाते में 15-15 लाख रुपया गया कि नहीं गया उसकी बात नहीं की। हाँ, भ्रष्टाचार की बात उन्होंने की। भ्रष्टाचार की तो बात करते हैं, लेकिन वही सारे भ्रष्टाचारियों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराकर उन्हें क्लीन चिट देते हैं। 25 से अधिक बड़े जो विपक्षी दल के नेता थे जिन पर संगीन आरोप था भ्रष्टाचार का, सभा जी, सबों को शामिल कराया भारतीय जनता पार्टी ने। और जिनके ऊपर सीडी हो, ईबीआई हो, सीबीआई हो, जो सारे मामले ठंडे बस्ते में चले गए, सारे जांच बंद हो गए, कई को तो क्लीन चिट मिल गया। तो ये है भारतीय जनता पार्टी। आज परिवारवाद पे नहीं बोले, बोलना चाहिए ना। बिहार की धरती वंशवाद और परिवारवाद पर प्रधानमंत्री जी गला फार फार के बोलते थे, थकते नहीं थे, लेकिन आज शर्म आ गई उनको, क्योंकि शर्म आना लाजमी है। पहली सभा थी और वो अभी वंशवाद की पार्टी चिराग पासवान जी के वहां बहनोई लड़ रहे थे, उसी मंच पर चिराग जी भी थे। मतलब पूरे आप देखेंगे लिस्ट बिहार में तो 13 से 14 एनडीए उम्मीदवार जो हैं सभी के सभी राजनीतिक घराने से हैं। वो तो वंशवाद को मजबूत करने का संकल्प ले रहे हैं प्रधानमंत्री जी, और लंबी चौड़ी बात करेंगे तो बिहार की जनता स्पष्ट रूप से समझ गया प्रधानमंत्री का चाल चरित्र और चेहरा, क्योंकि उनके कथनी और करनी में बहुत भारी अंतर है। तो आपने देखा उनका प्रेजेंटेशन और समाजी भारी मेहनत के बावजूद भी नहीं, क्योंकि वो जो जमुई का इलाका था
अगल बगल के जो भी कंस्टिट्यूएंसी थे, तमाम एनडीए के उम्मीदवारों ने पूरी ताकत झोंकी थी, मुंगेर हो, भागलपुर हो, बांका हो, जमुई हो, फिर भी अगर नहीं है तो जनता का वो भंग हो गया। बीजेपी के जाने वाली नहीं है। ठीक है, पीयूष जी, पीएम मोदी की जो सभा हुई जमुई में, जीत का रास्ता कितना आसान हो गया आप लोगों के लिए? सभा जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज बिहार में आकर के चुनावी सभा का आगाज किया। पहली सभा बिहार में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही थी, और वह सभा में उपस्थित भीड़ यह प्रदर्शित करती है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए की आगाज कैसी है, जो वह आज जमुई वासियों द्वारा जिस प्रकार से उस सभा में भीड़ एकत्रित हुई है, वह इस बात को प्रमाणित करती है कि बिहार में एनडीए का आगाज फिर से 2024 के शुरुआत से ही बहुत अच्छा हो गया है। अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता ढेर सारी बातें कहने का काम कर रहे थे, परिवारवाद भी कहने का काम कर रहे थे कि परिवारवाद पर देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कोई चर्चा नहीं किया, कुछ कोई विकास नहीं किए। राष्ट्रीय जनता दल को विकास की बात करने के पहले अपने 15 साल राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बैठे हुए हैं तेजस्वी यादव जी को अपने माता पिताजी के 15 साल के कार्यों को और तेजस्वी यादव जी के 17 महीने के कार्यकाल को बिहार की जनता को भी बताने की आवश्यकता है। बिहार में 15 वर्षों तक लालू प्रसाद तेजस्वी यादव उसमें बच्चे थे, लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी ने बिहार के लिए क्या किया, क्या बिहार की 13 करोड़ जनता भली भांति जानती है। सभाजी, उन 15 वर्षों के शासन काल में बिहार में लालटेन युग से किस प्रकार से 2005 के बाद एनडीए सरकार ने बिहार में बिजली के क्षेत्र में क्रांति लाकर के आज घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, या 2005 से पहले लालू यादव के शासन काल में बिजली की व्यवस्था थी? मैं राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता से पूछना चाहता हूँ, राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता यह भी बताने का काम करे क्या 2005 के पहले बिहार में कितनी अस्पतालें थी, बिहार में कितनी सड़कें थी, बिहार में कितने पुल पुलियों का निर्माण हुआ था, गड्ढे में सड़क थी कि सड़क में गड्ढे थे? राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बेहतर बताने का काम करेंगे। अस्पताल में रुई थी कि सुई थी, न रुई थी न सुई थी, न दवा को दूर की बात थी, क्या रुई थी कि सुई थी कि क्या दवा थी, ये राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता बेहतर बताने का काम करेंगे। और जहां तक मोदी जी के विकास कार्यों की बात है, मैं सभा जी आपको बता देना चाहता हूँ कि बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और केंद्र की मोदी सरकार ने बिहार में 1,25,000 करोड़ का पहले पैकेज और उसके बाद 40,000 करोड़ का पैकेज, 1,65,000 करोड़ के पैकेज दे करके आज बिहार में, अभी राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता कहे थे कि विकास नहीं हुआ, शायद उनका दृष्टि है। ये मंच नहीं है, आप बताइए। अरे एक प्रश्न को लीजिए, आपने मुझे हमने जो सारी अरुण जी 2005 के पहले के भी बिहार को आप देखने का काम किए, क्या बिहार था, जंगल राज था, लोग घर से निकलने में डरते थे। वह आज जो बिहार में प्रगति दिखाई दे रही है, जो विकास का काम दिखाई दे रहा है, वह एनडीए शासन में दिखाई दे रहा है और केंद्र की मोदी सरकार के चलते आज हर घर में आप विकास की बात है, विकास के बाद आपको मैं परिवारवाद पर भी जवाब दूंगा। आपने आज हर घर में जो नल का पानी पीने का काम कर रहे हैं और केंद्र की मोदी सरकार के माध्यम से पीने का काम कर रहे हैं। आज देश में जो आज बिहार में जो महिलाओं को जो खुले में शौच से मुक्ति मिली है, वह केंद्र की मोदी सरकार को देने केंद्र की मोदी सरकार को से मिलने का काम हुआ है। कई योजनाओं को यदि चर्चा करेंगे अरुण जी तो घंटों लग जाएंगे, दिन रात लग जाएंगे, 24 घंटे 48 घंटे लग जाएंगे। और मैं आपको परिवारवाद की भाषा बताता हूँ, परिवारवाद पर आपकी स्थिति को स्पष्ट करना चाहता हूँ। कल तेजस्वी यादव जी ने परिवारवाद पर लंबा चौड़ा एक पोस्ट पर टिप्पणी करने का एक बयान देने का काम किया है। अरुण यादव जी,
परिवारवाद, या तो तेजस्वी यादव जी को ज्ञान की कमी है, या फिर आपके नेता को ज्ञान की कमी है, आपके राष्ट्रीय जनता दल में जितने नेता है उन्हें ज्ञान की कमी है, परिवारवाद कहाँ है? आपके प्रधानमंत्री जी को ज्ञान का घोर अभाव है। अच्छा ठीक, अभी तो अरुण जी अरुण जी मेरी बात कर लीजिए। अरुण जी, पीयूष जी, आप लोगों के पास फिर वापस आएंगे। कमल जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। कमल जी, जम्मू में पीएम मोदी ने जनसभा भी कर लिया, कितना चेंज हो रहा है इंडिया गठबंधन, क्योंकि मुश्किलें तो और बढ़ जाएगी। सवा जी, इंडिया गठबंधन में कहीं से कोई परेशानी वाली बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही वहाँ पे कि 9 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज हम लोग अब दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि 9 करोड़ आप गरीबों को यदि अनाज दे रहे हैं तो बिहार की जनता किस हाल में है, इसका जीता जागता उदाहरण उन्होंने अपने आवाज आ रहा है, उससे बड़ा संकट और कुछ नहीं हो सकता। आवाज अतिरिक्त आवाज गूंज रहा है, म्यूट कर ले फिर आदमी। अच्छा कह रहा हूँ, शायद आपकी तरफ से आवाज आ रहा है, प्लीज कर लीजिए। 9 करोड़, प्रधानमंत्री जी ने आज जमुई से कहा कि मैं 9 करोड़ बिहार वासियों को 5 किलो अनाज दे रहा हूं। तो बिहार की जनसंख्या 13.10 करोड़ है, जिसमें से वो 9 करोड़ गरीबों को यदि दे रहे हैं तो आज बिहार किस स्थिति में है, यहाँ का हंगर इंडेक्स किस स्थिति में है, ये कहने वाली बात नहीं है। वो प्रधानमंत्री खुद ही ये चीज को कर रहे हैं। तो यदि विकास वो बिहार के मामले में किए हैं तो विकास कहाँ गई, वो गरीब के बारे में काम किए हैं तो वो गरीब से जो ऊपर इंडेक्स में है वो कहाँ चली गई। तो विकास की बात कहीं ना कहीं ये गलत साबित हो रही है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ झूठ बोल के अपना काम चलाने की बात कर रहे हैं, और आज मैंने सुना उनको, उन्होंने ऐसा लगा ही नहीं कि वो आज चुनावी रैली में आए हैं और 2024 के लिए वो सीरियस भी हैं, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं से लग गया है कि इस बार हम रिपीट करने नहीं जा रहे हैं। सिर्फ जम्मू ही नहीं, बिहार और देश की जनता ये जान चुकी है कि मोदी सरकार जो है सिर्फ जुमलेबाजी कर सकती है, अपना बड़ा बड़ा बयान कर सकती है, बातें बना सकती है, डबल इंजन की सरकार हो सकती है, लेकिन यहाँ पब्लिक को पता चल गया है कि वो इंजन जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में लगी हुई है, जो एक दूसरे को सिर्फ घिस सकती है, कभी ये घिंचेगी कभी वो घिंचेगी। इससे देश का विकास कहीं नहीं हो रहा है, और ये हम लोग आने वाले समय में इन लोगों को आम जनता ही बताएगी और जनता ही मालिक है इसका, जो है जो भी समाधान होगा आगे जनता ही करेगी इनका इलाज, वो हम लोग देखेंगे। जी सवाल जी, चलिए ठीक है, सौरभ जी का रुख करते हैं। सौरभ जी, जमुई में आज पीएम मोदी ने जनसभा किया, हुंकार भरी वहां से, चिराग पासवान को छोटा भाई बताया, नीतीश कुमार के और अपने भी जो उपलब्धियां थी उन्होंने गिनवाया, एनडीए सरकार की उपलब्धियों को गिनवाया। वही दूसरी तरफ पप्पू यादव ने आज नामांकन भी भर दिया है, तो क्या कुछ बड़ी अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, आज चुनावी सभा था और मुझे लगता है कि जब से चुनाव की तारीख घोषणा हुआ है, ऐलान हुआ है, उसके बाद ये पहली चुनावी सभा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। मंच पर मुख्यमंत्री भी थे, चिराग पासवान भी थे और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी भी थे। तो निश्चित तौर पर एक मेगा इवेंट बनाने की कोशिश थी एनडीए के तरफ से। और अगर आप दूसरी तरफ, अगर इंडिया गठबंधन की अगर आप बात करें, तो आप देखेंगे कि इस चुनाव में 2024 के चुनाव में एनडीए गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन से 2 कदम आगे चल रहा है हर मोर्चे पर, चाहे रैली को लेकर हो, सीटों का बंटवारा हो, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो, हर मोर्चे पर एनडीए गठबंधन जो है इंडिया गठबंधन से 2 कदम आगे चल रहा है। तो निश्चित तौर पर ये पहली रैली थी
और पहली रखी रैली जमुई में इसलिए रखी गई क्योंकि 2019 में भी प्रधानमंत्री ने जमुई से ही पहली रैली का उन्होंने आगाज किया था, तो वो बीजेपी के लिए शुभ हुआ था, एनडीए के लिए शुभ हुआ था। बिहार में 40 सीटों में 39 सीटें जो है वो एनडीए के खाते में गई थी, तो बीजेपी शुभ मानती है, बीजेपी के नेता शुभ मानते हैं जमुई की धरती को, तो इसीलिए प्रधानमंत्री की पहली जो रैली थी वो जमुई की धरती पर रखी गई। और आज प्रधानमंत्री ने मंच पर भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने ये किया, निशाना साधा लालू परिवार को लेकर। उन्होंने कहा कि क्या आप चाहेंगे, उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, क्या आप चाहेंगे कि आप शासन ऐसे हाथों में दे जो नौकरी के बदले जमीन लिखवाते हैं। दूसरी तरफ जब मुख्यमंत्री आए अपना संबोधन करने के लिए, भाषण देने के लिए, तो उन्होंने जंगल राज की बातें की। उन्होंने ये कहा कि 20 सालों में जो भी कुछ बिहार में हुआ है वो मैंने किया है। यानी अगर तेजस्वी यादव इसका क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो लगातार तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 17 महीनों में जो हमने कर दिखाया वो आज तक किसी ने नहीं किया था, उस क्रेडिट को भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपना बताया। उन्होंने कहा कि हमने किया है सारा चीज, मैं राज्य का मुख्यमंत्री था। और साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि 15 साल पहले जब बिहार में लालू राबड़ी की सरकार थी, तब उन्होंने कहा कि क्या स्थिति थी बिहार में आप सब जानते हैं, 5 बजे शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था। तो पूरी तरीके से राज्य जो है वो चुनावी माहौल में बदल गया है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया है। और आपने देखा होगा कि आज सुबह प्रधानमंत्री की रैली के पहले तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी से सवाल किया कि जिस जगह पे जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, जो रैली करने वाले हैं, वहां पर एक ऐसा उम्मीदवार है, एक ऐसा प्रत्याशी है जो चिराग पासवान के परिवार का है, तो क्या वहां परिवारवाद मुख्य प्रधानमंत्री को या बीजेपी को नहीं दिखाई देता है? केवल और केवल राजनीति में लालू परिवार ही बीजेपी को दिखाई देता है। तो निश्चित तौर पर दोनों तरफ से, मैं ये नहीं कहूंगा कि एक तरफ से, दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप जो है वो शुरू हो चुका है। जाहिर सी बात है, चुनाव का समय है तो आरोप प्रत्यारोप होगा, लोग जनता के बीच जाएंगे, अपनी अपनी बातें करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री पहले दो मुद्दों पर ज्यादा खुलकर बोलते थे, पहला परिवारवाद, दूसरा भ्रष्टाचार। लेकिन आज वो जमुई की धरती पर उन्होंने परिवारवाद की चर्चा नहीं की, कारण उनको पता था कि मैं जिस धरती पर खड़ा हूँ वहां का उम्मीदवार कोई और नहीं है, वो चिराग पासवान के जीजा जी हैं और चिराग पासवान के परिवार से भी आते हैं, से ही आते हैं। तो उस मंच पर वो परिवारवाद की बात नहीं की उन्होंने, कारण उनको पता था उम्मीदवार के बारे में। आज उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की, आज उन्होंने पाकिस्तान की बात की। तो लोग अब जाएंगे, हर पार्टी के नेता जाएंगे, जनता के बीच जाएंगे और अपनी अपनी उपलब्धि बताएंगे। दूसरी तरफ अगर पूर्णिया की बात करें तो आज निर्दलीय, जैसा कि हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि पप्पू यादव के पास विकल्प क्या है, वो अब कर क्या सकते हैं, जब वहां पर इंडिया गठबंधन की उम्मीदवार बीमा भारती ने अपना नॉमिनेशन फाइल कर दिया, निश्चित रूप से उसके बाद पप्पू यादव के पास कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वो अंतिम समय तक वो चाह रहे थे कि कम से कम वो कांग्रेस के तरफ से उम्मीदवार बने, लेकिन कांग्रेस के जो बड़े नेता थे, जो आला नेता थे, उन्होंने इसकी इजाजत नहीं दी। मजबूरन पप्पू यादव को निर्दलीय मैदान में जाना पड़ा और अब पप्पू यादव ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर अपना नॉमिनेशन भी फाइल कर दिया है। आने वाले दिनों में अब जो पूर्णिया की जनता है वो जो भी उम्मीदवार है, चाहे पप्पू यादव हो, बीमा भारती हो, संतोष कुशवाहा हो, तो उनके किस्मत का फैसला जो है वो अब पूर्णिया की जनता करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर नुकसान, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि पूर्णिया लोकसभा सीट पर नुकसान केवल और केवल महागठबंधन का होगा, क्योंकि वहां पर दो कैंडिडेट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं और दोनों का जो वोट बैंक है वो एक ही है। तो अगर कटौती होगी तो कहीं ना कहीं या तो बीमा भारती की
का जो वोट बैंक है या इंडिया गठबंधन का जो वोट बैंक है वही पप्पू यादव का वोट बैंक है, तो उसी में कटौती होगी और इसमें फायदा केवल और केवल एनडीए उम्मीदवार को होगा, बीजेपी को होगा, नीतीश कुमार को होगा, चिराग पासवान को होगा। जी जी सौरभ जी, तो निशांत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। निशांत जी, परिवारवाद तो हर जगह है, फिर आप लोग सिर्फ इंडिया गठबंधन पर निशाना क्यों साधते हैं? देखिए, निश्चित तौर पे आज सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत जिस तरीके से जमुई की जनता ने की है और काफी ऐतिहासिक रैली रहा, आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने खुद कहा कि अभी भी लोगों का हुजूम उनको सुनने के लिए आ रहे थे, और सबसे अच्छी बात तो ये थी कि उन्होंने शुरुआत और आगाज जो किया है वो हमारे नेता के संसदीय क्षेत्र से किया है, और ये काफी शुभ भी रहा है, जैसे कि सौरभ भाई पिछले बता भी रहे थे। तो देखिए, सब आपके सवाल का जवाब मैं देना चाहूंगा सभा जी, कि आपने परिवारवाद को लेकर सवाल किया है। देखिए, परिवारवाद को लेकर जो आपने सवाल किया है, अरुण भारती जी निश्चित तौर पे चिराग जी के जीजा जी हैं, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है, उनको टिकट मिला है और उनकी जितनी भी काबिलियत है उनको ये कह के उसमें समेट दिया जाए कि वो उनके जीजा जी हैं, तो ये कहीं से उचित नहीं होगा। ये समझने की जरूरत है, मैंने कई दफा आपके चैनल पे भी कहा है कि अरुण भारती जी के का जो पृष्ठभूमि रहा है, खास करके इन 3 साल में जो उनका मेहनत रहा है पार्टी के प्रति, परिवार के प्रति, और हमारे पार्टी में जो डिसाइड किया है, संसदीय बोर्ड ने डिसाइड किया है, उसको लेकर वो चुनाव में आए हैं, तो इस तरीके का कहना कि वो परिवारवाद है और जीजा जी को टिकट दे दिया गया, ये कहीं से उचित नहीं होगा। देखिए निशान जी, सबसे बड़ी बात है ना कि बाहर के लोग तो आरोप लगा ही रहे हैं, जो आपके दल के नेता थे ना, जो जिन्होंने काफी संख्या में कल जिन लोगों ने इस्तीफा दिया, वो भी आरोप लगा रहे हैं आपके नेता पर, वो भी आरोप लगा रहे हैं कि जब मेहनत करने की बारी होती है तो लाखों कार्यकर्ता जो हैं वो ग्राउंड पर जाकर मेहनत करते हैं, लेकिन जब टिकट देने की बारी आती है तो चिराग पासवान को या तो परिवार याद आता है या फिर ऐसे उम्मीदवार याद आते हैं जो मोटी रकम दे सके और टिकट ले सके। सौरभ भाई, जब भी इलेक्शन का माहौल आता है तो ये मेरी ही पार्टी नहीं, कई पार्टियों पर ये आरोप लगता है कि पैसे लेकर टिकट बांट दिया गया, तो ऐसा कर दिया गया, वैसा कर दिया गया, लेकिन ये नहीं, मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में, निशान जी मुझे नहीं लगता है कि इस चुनाव में किसी दूसरे पार्टी पर अभी तक ये आरोप लगा है कि किसी ने मोटी रकम लेकर उम्मीदवार को टिकट दिया है। आप बता दीजिए, सामने जो भी पार्टी है सभी के प्रवक्ता यहाँ पर मौजूद हैं, आप बता दीजिए आरजेडी के बारे में, आप बता दीजिए बीजेपी के बारे में, आप बता दीजिए जदयू के बारे में, किसी कैंडिडेट का ऐसा आरोप या किसी नेता ने अपने दल पर ऐसा आरोप या अपने नेता पर ऐसा आरोप लगाया हो। इस चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ। देखिए सौरभ भाई, मैं इसको स्पष्टता के साथ क्लियर करता हूँ। देखिये, हमारी पार्टी को 5 सीटें मिली थी और हमारे पास पार्टी में दावेदार 50 थे, तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि 5 सीट में 50 आदमी को समायोजित करना पॉसिबल ही नहीं। दूसरी बात है कि आपने कहा कि आरोप आपके पार्टी पे लगा है कि पैसे लेकर सीट बांटे गए हैं, तो मैं इसका खंडन करता हूं। देखिए, हमारी पार्टी के जो भी नेता कल छोड़े हैं पार्टी, इस्तीफा दिए और आरोप प्रत्यारोप का दौर उन्होंने मीडिया में बयान दिया है, मैं उसका खंडन करते हुए ये कहना चाहूंगा कि देखिए, सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं, सब चुनाव लड़ना राजनीति में आए हैं तो सभी को रहता है कि हम चुनाव लड़के सदन में पहुंचे, ये अच्छी बात है और हम लोग सम्मान भी करते हैं, लेकिन पार्टी जब टिकट देती है तो कई पैमाने पर सर्वे करवाती है, संसदीय बोर्ड का फैसला आता है, मीडिया रिपोर्ट आता है, क्योंकि पार्टी, कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि हमारे कैंडिडेट जब मैदान में जाए तो किसी भी तरीके का कोई लैकनेस हो और हमको हार का सामना करना पड़े। तो जब भी ये फैसला होता है तो कई तरीके से छन के आने के बाद ही पार्टी फैसला लेती है कि किन प्रत्याशियों को लड़ाया जाए। अब जिनको टिकट नहीं मिला तो वो तो डिफेंड करेंगे ही, वो तो आरोप प्रत्यारोप करेंगे ही, तो इस बात को हम लोग सिरे से नकारते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। कई पैमानों पर सर्वे के बाद जितने भी कैंडिडेट हमारे आ जाए, आप देखिए कि आदरणीय चिराग पासवान जी ने जो टिकट 5 बंटवारा किया वो किस तरीके से किया, आप देखेंगे कि पिछले महीने सदन में पास हुआ था 33% महिला आरक्षण का, हमारे नेता ने 40%
महिलाओं को टिकट दिया, 5 में से 2 महिलाएं हमारे यहाँ से चुनाव लड़ रही है। आप देखेंगे हमारे नेता को युवा सम्राट कहा जाता है, युवा। लेकिन निशान जी उसमें से एक ऐसी महिला है, आप ये देखेंगे निशान जी, एक मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे पार्टी में जो भी नेता लड़ रहे हैं वो युवा है। तो इन सब बातों का कहीं कुछ नहीं है, लोगों का महत्वाकांक्षा है, लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी का निर्णय सर्वमान होता है और पार्टी जो निर्णय लेती है वो देश हित में लेती है, राष्ट्र हित में लेती है। हमारे जो भी कैंडिडेट हैं वो काफी मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीत कर भी लेंगे। लेकिन कैंडिडेट के बारे में आपके कार्यकर्ता और जो नेता है वो जो सवाल खड़ा कर रहे हैं वो सवाल में भी तो एक तरीके से कहें तो वो जायज सवाल है। ऐसे उम्मीदवार को आप टिकट दे रहे हैं जो कभी पार्टी की मुझे लगता है कि सदस्य भी नहीं थी, बैठक में शामिल नहीं होती थी, ना रैली में कहीं आना जाना या दिखाई देती थी, ऐसे ऐसे उम्मीदवार को आप टिकट दे रहे हैं। तो जो कार्यकर्ता है, जो सालों से आपके साथ हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको परेशानी तो होगी ना। निश्चित तौर पे अगर कार्यकर्ता के मन में जो नेता हमारे छोड़े हैं उसके भावनाओं का हम लोग सम्मान करते हैं, लेकिन मैं फिर ये बात पुनः कहना चाहता हूं कि ये चीज कई प्रक्रियाओं के बाद होती है। संगठन में संसदीय बोर्ड होता है, उनका फैसला होता है, जमीनी स्तर तक कार्यकर्ताओं के बीच सर्वे होता है, जिस लोकसभा का टिकट वितरण हुआ वहां पे सर्वे होता है और उसके बाद जो मजबूत कैंडिडेट होता है उसको टिकट दिया जाता है। सौरभ भाई, तो हम सम्मान करते हैं लोगों के व्यक्तिगत भावनाओं का सम्मान करते हैं। निश्चित तौर पे जो भी नेता हमारे दुखी हैं उनके इच्छा थी लड़ने की, लेकिन किसी कारणवश वो चीजें नहीं हो पाई। नहीं, उनका इच्छा सबकी नहीं कह सकते हैं ना निशान जी, सबकी इच्छा तो नहीं हो सकती है ना लड़ने की। अगर 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने आपकी पार्टी से इस्तीफा दिया तो ऐसा तो है नहीं कि सभी चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन हाँ इस बात से आहत सभी लोग थे। कारण सबको ये पता था कि आपकी पार्टी को 5 या 6 सीटें ही मिलेगी, ये सबको पता था। तो अगर 24 नेता या 24 से ज्यादा नेता अगर इस्तीफा दे रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़े ही है कि सभी चुनाव लड़ना चाहते थे। उनको ये पता था कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा, लेकिन जो पार्टी में चल रही है, जो भी चीजें उनको दिखाई दे रही है, चिराग पासवान जो कर रहे हैं, इससे वो आहत है। उनको लग रहा है कि यहां हमारा कोई भविष्य नहीं है। चिराग पासवान को जब टिकट देने की बारी आएगी तो उनके सामने वही उम्मीदवार होंगे जो उनके परिवार के होंगे, या कोई बाहर का उम्मीदवार आएगा और एक झटके में टिकट ले लेगा वो। और जो कार्यकर्ता है, जो नेता है, जो सालों से पार्टी में है, वो देखते रह जाएंगे। नहीं 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 सौरभ भाई, आपने जिस नेताओं की बात की जिन्होंने इस्तीफा दिया, जो लिस्ट आप लोगों तक पहुंचा था, मैं आपको बता दूं। नहीं, आप बताइए ना निशान जी, चाहे निशान जी आप ये बताइए, खगड़िया में आपने जो टिकट दिया है उनका आधार क्या है? खगड़िया में वो भागलपुर के रहने वाले हैं, भागलपुर से टिकट मिला है, वो हमारे जिला अध्यक्ष रह चुके थे 2000 भागलपुर से, भागलपुर से निशान जी, भागलपुर से। तो आपने उन्हें खगड़िया की सीट दे दी, कैसे जीतेंगे वो? बिल्कुल, तो जैसे कि मैंने आपको सौरभ भाई बताया कि ये कई पैमाने पर जो सर्वेज होते हैं उसके रिपोर्ट के आधार पर ही किसी को टिकट दिए जाते हैं पार्टी। ये कौन सा सर्वे है निशान जी, ये कौन सा सर्वे है कि भागलपुर का कोई नेता, जिसको आप लोग किस तरीके का सर्वे करवा रहे हैं कि खगड़िया में सर्वे हो रहा और वो खगड़िया की जनता भागलपुर की नेता को पसंद कर रही है? कई तरह के सामाजिक बनावटों को भी देखने का काम किया जाता है सौरभ जी। चुनाव प्रक्रिया में जब टिकट का वितरण होता है तो कई तरह के सामाजिक, वहाँ के क्षेत्रीय सामाजिक बनावटों को भी देखने का। मैं समझ गया आपका पक्ष लेना लाजमी है, एनडीए की सरकार है बिहार में, सॉरी एनडीए की सरकार भी है और आप लोग एक साथ चुनाव भी लड़ रहे हैं तो आप चिराग पासवान का पक्ष लेंगे ही। अरुण जी, लेने की बात, जिस तरीके से टिकट बंटवारा हुआ है, जिस तरीके से चिराग पासवान ने टिकट बंटवारा किया है, आपको लगता है कि लाखों कार्यकर्ता और नेताओं के सम्मान को ध्यान में रखा गया है? आवाज आ रही है उधर से, म्यूट कर लीजिए, किनके ठीक है। मैं अरुण जी आपसे सवाल कर रहा हूं कि जिस तरीके से चिराग पासवान ने अपनी पार्टी में टिकट का बंटवारा किया है,
आपको लगता है कि उनके जो लाखों कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, उनके सम्मान में चिराग पासवान ने सही किया है? सौरभ जी, जो बातें हमसे आप पूछ रहे हैं, जो सवाल है आपका, उन सवालों का जवाब तो चिराग जी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने कल ही पीसी करके दे दिया, और महत्वपूर्ण सब साथी थे उनके। हमें लगता है उनसे कार्यकर्ताओं में मौजूद पूर्व एमपी से लेकर पूर्व विधायक और एक अपने आप में अपने जगह उनका एक स्थान था, ऐसे सब लोग इस्तीफा दिए। उन्होंने क्या कहा, अपने ही आप लोगों ने ही चलाया कि जो चिराग पासवान जी फर्स्ट बिहारी की बात करते थे, वो अब जो है उनके लिए फर्स्ट पैसा और फर्स्ट फैमिली हो गया, सारी खोल के रख दिया, और उस पर हम नहीं जाना चाहेंगे। तो विस्तार से आप लोग जानते ही हैं, और इन लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ कोई नीति नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, एन कैन प्रकार पैसा चाहिए, पद चाहिए, पद चाहिए, एन कैन प्रकार जो है कैसे टिकट को बेच के पैसा चाहिए, और नीति सिद्धांत से कोई मतलब है नहीं। अब भारतीय जनता पार्टी का भी यही स्थिति है, आज आपने देखा, आप प्रधानमंत्री जी के जुबान से वंशवाद और परिवारवाद पर एक शब्द नहीं, वो इतने शर्मिंदगी महसूस करने लगे इस पर बोलने से, क्योंकि पोल खुल गया, जनता के सामने है, क्योंकि 13 से 14 कैंडिडेट वंशवादी पार्टी से ही हैं, और जो परिवार राजनीति घराने से ही हैं, तो किस मुंह से बोलेंगे। अब बच गया भ्रष्टाचार पे, भ्रष्टाचार पर भी विपक्ष तो लगातार बोल ही रही है, ऐना दिखा ही रही है भारतीय जनता पार्टी को, जनता भी अब समझने लगी है। आपने देखा 2014 के बाद से 25 से 26 विपक्षी दल के नेताओं को इन्होंने बीजेपी में शामिल कराया, और सब पर बड़े बड़े गंभीर आरोप। यही लोग कहते थे कि ये बड़े घोटालेबाज है, बड़े भ्रष्टाचारी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मिलाने के बाद सब सदाचारी हो गए, उनको माला पहना रहे हैं, उनको एमपी तो बना रहे हैं। अरुण जी, अरुण जी, अरुण जी, अरुण है भारतीय जनता पार्टी का। अरुण जी, अरुण जी, आरोप तो आपके नेता पर भी लग रहा है ना, कि आप लोग ने बदला ले लिया पप्पू यादव से, पप्पू यादव को निर्दलीय मैदान में आना पड़ा। देखिए सौरभ जी, जहां तक पप्पू जी की बात है, पप्पू जी के राजनीति को आप भली भांति जानते हैं, बिहार भी समझ चुकी है उनकी किस तरह की राजनीति होती है, तो उस पर विशेष हमें किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं करना। वो कांग्रेस में 5 दिन पहले ज्वाइनिंग किए थे, और गठबंधन की राजनीति है, देश महत्वपूर्ण है, गठबंधन महत्वपूर्ण है, जनता के सवाल महत्वपूर्ण है, कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, और ऐसे कई सीट और बड़े बड़े नेता नहीं लड़ पाए गठबंधन की राजनीति में, तो उसको आप क्या कहेंगे। अब लेकिन आज तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, आज तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, पूर्णिया में रणभूमि मैदान में आज उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, कैसे जीतेंगे आप पूर्णिया। सौरभ जी, जनता बनाम और मोदी जी के बीच लड़ाई है, लड़ाई आर पार की है, किसी व्यक्ति वैसिस पे लोग नहीं जा रहे, मुद्दे आधारित लड़ाई है। पप्पू जी तो बराबर ताकत दिखाते ही रहते हैं, इसमें ताकत दिखाने में तो महारत, तो वो ताकत अरुण जी, वो ताकत आपके नेता को नहीं दिखता है ना। नहीं 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 नहीं, किस तरह की ताकत है मेरे तंज को समझिए, लगातार तो वो कर ही रहे हैं, अपनी ताकत को दिखा ही रहे हैं, लेकिन जनता स्वीकार कहाँ कर रही है, तो उस पर हमें नहीं जाना है। उनके तो जीतेगा कौन अरुण जी, पूर्णिया जी में जीत किसकी होगी? पूर्णिया ही नहीं, ये जो लहर है ना, तेजस्वी लहर, तेजस्वीमय बिहार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए के पास जनता के बीच कहने के लिए कुछ नहीं है। 10 साल लहर तो 2019 में भी थी, आप लोग जीरो पर आउट हो गए, खाता भी नहीं खुला, इसीलिए इस बार लहर है सौरभ जी। उस बार भावनात्मक नारे, भावनात्मक मुद्दे, जो जुमलेबाजी थी ना भारतीय जनता पार्टी का, उस जाल में बिहार की भोली भाली जनता, देश की भोली भाली जनता फंस गई। अब इस चीज को समझ चुका बिहार की जनता। लेकिन लेकिन अरुण जी बिहार की, अरुण जी बिहार की जनता को ये पता है ना कि प्रधानमंत्री तेजस्वी यादव तो बनेंगे नहीं,
फिर वोट उनको देने से फायदा क्या है? मुद्दे को वोट देंगे ना, क्यों देंगे प्रधानमंत्री जी को? तो वोट किया, 39 सीट बिहार की जनता ने दिया, विशेष राज्य का दर्जा मिला, पटना यूनिवर्सिटी को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला, 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष नौकरी मिला, महंगाई कम हुआ, किसानों की आय दोगुनी, विशेष राज्य का दर्जा। आप बताइए अरुण जी, विशेष राज्य का दर्जा, विशेष राज्य का दर्जा तो उस वक्त भी नहीं मिला जब बिहार में आपकी सरकार थी और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। इतिहास की बात मत करिए, 2014 में प्रधानमंत्री जी ने कहा था ना, पूर्णिया के रंग भूमि मैदान में, उन्होंने ही तो कहा था वो मेरी यही इन लोगों में जो है भारतीय जनता नहीं, विशेष राज्य की दर्जा की बात मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री ने कभी कहा था। उन्होंने कहा था विशेष पैकेज देंगे बिहार। नहीं, आप क्या, आप हमारे राष्ट्रीय जनता दल के अधिकारी ट्विटर हैंडल पे चल रहा है, हम लोग भी चला रहे हैं उनका जो भाषण है। सौरभ जी आप चलिए पीयूष जी से बात कर लेते हैं, ठीक है? ठीक है, हम थोड़ा कंफर्म हो सकते हैं, हो सकता है हमसे गलती हो रही है, पीयूष जी से कंफर्म कर लेते हैं। प्रधानमंत्री ने कभी किसी मंच से कहा है पीयूष जी? कहेंगे तो हम वीडियो चला सकते हैं, मेरे पास है। सौरभ जी देश के जैसे प्रधानमंत्री, अगर आप सौरभ जी अगर एक मिनट का टाइम दे, मेरे पास वीडियो है, वो हम भाषण सुनवा सकते हैं, वो मेरे पास है। अगर अरुण जी आवाज नहीं आ रही है, आप ही बता दीजिए क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री। लीजिए जा रही आवाज नहीं, क्या कह रहे हैं आप ही बता दीजिए ना। उन्होंने आप ही उनकी लाइन को दोहरा दीजिए ना, क्या कह रहे हैं प्रधानमंत्री? उन्होंने कहा बिहार के लिए हमें जो भी करना होगा हम करेंगे, हमारी सरकार अगर बनेगी तो विशेष राज्य का दर्जा हो, विशेष पैकेज हो, विशेष अटेंशन हो, हम करने का काम करेंगे। उनके जुबानी ये है, आप देख सकते हैं। और मेरे तब तो पीयूष जी, सौरभ जी तब तो नहीं, पीयूष जी तब तो जो नहीं प्रधानमंत्री सौरभ भाई, यह जो है वीडियो 10 मार्च 2014 को पूर्णिया की हुंकार रही, तब तो पीयूष जी ये बात सही है, अगर प्रधानमंत्री ने कहा है, अरुण जी भी बता भी रहे हैं और सुना भी रहे हैं, तो निश्चित रूप से अगर तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि लगातार प्रधानमंत्री जो हैं वो बिहार के साथ वादा खिलाफी कर रहे हैं, बात तो सही है, आरोप में तो दम है। सौरभ जी, तेजस्वी यादव जी को मैंने पहले कहा कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, वो अध्ययन कम करना शुरू कर दिए हैं, वह तो अपराधियों के साथ अपराधियों को भी टिकट बांटने में व्यस्त है। सुनिए ना अरुण जी, पूरी बात होने दीजिए। अरुण जी आप सारा आरोप लगा रहे थे, मैं चुपचाप था, सुनिए तो बात को तो सुनिए, सुनिए ना अरुण जी आपने जो कहा, अरे मेरा अरुण जी सुन लीजिए, वो मुद्दे पर भी आएंगे। पीयूष जी मेरा जो सवाल है उसका जवाब दीजिए ना। अगर प्रधानमंत्री ने ऐसा बोला है जैसा आरोप लगा रहे हैं तो ये बात तो सही है ना, अगर वो उन्होंने बोला है तो पूरा उनको करना चाहिए, अगर वादा उन्होंने किया है तो उसको पूरा करना चाहिए प्रधानमंत्री को। और 2014 में बोला है, 2024 आ गया, 10 साल बीत गए। सौरभ जी प्रधानमंत्री जी ने यह बोलने का काम किया है कि हम बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे। देखिए विशेष राज्य के दर्जे के लिए कुछ पैमाने होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वह किसी भी राज्य को ऐसे ही नहीं दिया जा सकता है। ये नॉर्म्स की जानकारी अरुण जी के पास भी है और सौरभ जी आप तो प्रख्यात है, सुनिए ना अरुण जी, अरे आपकी सुनिए तो आप सौरभ जी, अरुण जी आपको भी पता है जब आपकी सरकार, अरे जब आपके नेता लालू प्रसाद जी कांग्रेस के साथ गठबंधन से, अरे जब आपके नेता जब अरे आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, उसने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं दिलवाने का काम किया? आप ही की सरकार केंद्र में थी,
आर्थिक सरकार के अंदर में थी, भारत के नाने का भारतीय जनता पार्टी को सजी नहीं कही है। अरे भारतीय जनता पार्टी को यह सजाए कहती आ रही है कि हम बिहार को स्पेशल पैकेज देंगे और उसमें स्पेशल पैकेज के द्वारा 1,65,000 की राशि हम बिहार में देने का काम कर रहे हैं, जो आज बिहार में विकास का काम चल रहा है। और सुनिए ना अरुण जी, अरुण जी सुनिए तो, अरुण जी सुनिए, ये मैं अपनी बात नहीं, हमारे नेता अपनी बात नहीं कह रहे हैं और आप इतिहास में मत जाइए। आपने लेकिन अरुण जी, अरुण जी उसकी बात, लेकिन अरुण जी एक बात बताइए, जो एकता, नहीं अरुण जी, अरुण जी एक बात बताइए, अगर उससे थोड़ा आगे बढ़े तो एनडीए में जो एकता और एक उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है वो दूर दूर तक इंडिया गठबंधन में दिख नहीं रहा बिहार में। सारा जी एक मिनट और हमको टाइम दीजिए, इनके परिवारवाद, इनके परिवारवाद का आप समझाते हैं। अरे अरुण जी बहुत परिवारवाद पर आप बोलने का काम कर रहे थे, बोलती बंद, पीएम जी का हो गया। अरे क्या बोलती बंद, आप परिवारवाद और भ्रष्टाचार, परिवारवाद और भ्रष्टाचार। अरुण जी एक एक करके बोलिए ना, अरुण जी एक एक करके बोलिए थोड़ा सा। अरे परिवारवाद और भ्रष्टाचार जंगल राज के नेता लालू यादव है, और भ्रष्टाचार पर सफाई देने की मांग राष्ट्रीय जनता दल से हो सकती है क्या? अरुण जी आप लोग दोनों एक साथ मत बोलिए, एक एक करके बोलिए, ऐसे भी समय काफी ज्यादा हो गया है और कम शब्दों में अपनी बात को पूरी कीजिए। सौरभ जी परिवारवाद की भाषा मैं अरुण जी को बता देना चाहता हूँ, परिवारवाद वह कहलाता है। अरे नहीं समझिएगा, नहीं समझिएगा, अरे नहीं समझिएगा, समझ गए आप लोग, देखे करके नहीं बोलेंगे। मुझे लगता है चर्चा आपको यही खत्म करना पड़ेगा। बिहार की जनता समझा देगी, बिहार की जनता समझा देगी, अरे बिहार की जनता। जी बिल्कुल, चर्चा को यही खत्म करना पड़ेगा। तो सपा सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि मैं शुरू में ही कह रहा था कि अगर चुनावी प्रचार कहें या फिर सीटों का बंटवारा कहें या उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कहें, हर चीज में अगर आप देखेंगे तो एनडीए गठबंधन जो है वो इंडिया गठबंधन से दो कदम आगे चल रहा है। इंडिया गठबंधन में आप देख रही है कि पूर्णिया में क्या हो रहा है, पप्पू यादव वहां से चुनाव लड़ना चाहते थे, उन्होंने अपनी पार्टी को मर्ज कराया, विलय कराया कांग्रेस में, कांग्रेस ने के नेताओं ने उनको पहले उम्मीद जताई, भरोसा दिया कि आपको पूर्णिया की जो सीट है वो दी जाएगी, लेकिन उनको नहीं मिली, पूर्णिया की सीट आरजेडी के खाते में आ गई। अचानक आरजेडी में एंट्री होती है बीमा भारती की, जो पहले जदयू की विधायिका की थी, उनको पूर्णिया का सीट ऑफर किया जाता है, सिंबल भी दे दिया जाता है। तो निश्चित तौर पर यहाँ आपस में ही लड़ाई हो रही है, इंडिया गठबंधन के अंदर ही लड़ाई हो रही है, जबकि चाहिए ये कि इंडिया गठबंधन को लड़ाई करना चाहिए था एनडीए से, लेकिन यहाँ अंदर में ही लड़ाई हो रही है और इसमें नुकसान इंडिया गठबंधन का होगा और फायदा एनडीए गठबंधन को होगा। तो हालांकि अभी आगाज ही है, 2 महीने का वक्त है, एक एक करके हर चरण के लिए चुनावी प्रचार तेज होंगे और जैसा कि प्रधानमंत्री का जो प्रोग्राम है उससे भी स्पष्ट है कि हर चरण में वो दो दो बार बिहार आएंगे, यानी हर चरण से पहले उनकी जो यात्रा है वो बिहार में 2 यात्रा होगी और अलग अलग वो लोकसभा क्षेत्र में जाएंगे। तो आज निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर उन्होंने खुलकर बोला, लालू परिवार को घेरने की भी कोशिश की, लेकिन चूंकि वो उस मंच पर मौजूद थे जहां का उम्मीदवार ही चिराग पासवान के परिवार का था, इसीलिए उन्होंने आज परिवारवाद पर कुछ नहीं कहा। जी बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। दरअसल इंडिया गठबंधन की बात करें तो चुनाव में बहुत कम ही समय का वक्त बचा है, लेकिन इंडिया गठबंधन में आपस में ही लड़ाई हो रही। दरअसल पूर्णिया सीट से पप्पू यादव ने भी निर्दलीय चुनाव लड़ने का नामांकन भर दिया है, तो इंडिया गठबंधन में जो आपसी कला है उसका कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन को खामियाजा भुगतना पड़ेगा और इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए News24 बिहार झारखंड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, आप अपनी राय हमें कमेंट करके भी जरूर बताएं। नमस्कार।